अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन बावकत आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल हकीम तजम्मुल हसन में, और आज आप हजरात के लिए एक बेहतरीन नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आप ये सोचते होंगे कि हकीम जी डेली बताते हैं कि आज बहुत अच्छा नुस्खा है, बहुत अच्छा नुस्खा है। यकीन मानिए, एक एक नुस्खा आपके लिए किताबों का कीड़ा बन के देखना पड़ता है, क्योंकि ऐसे में नुस्खे आपको नहीं बताता। इन नुस्खों को पहले मैं ख़ुद पर भी आजमाता हूँ और अपने जो मेरे ग्राहक आते हैं, जो मेरे कस्टमर आते हैं, उन पर भी आजमाता हूँ, उसके बाद मैं आपको नुस्खा बताता हूँ। क्योंकि ये नुस्खे ढूंढने के लिए बिल्कुल किताबों का कीड़ा बनना पड़ता है, एक एक चीज़ देखनी पड़ती है, उसके बाद ये नुस्खे तैयार होते हैं। बहुत से नुस्खे हैं किताब में, जैसे कुश्ता जात के नुस्खे हैं और जहर मोरा के नुस्खे हैं, ये भी बताऊँगा आपको इंशाल्लाह। ये आपको बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आगे आपको बताऊंगा इनके बारे में भी। लेकिन आज जो आपको मैं तेल बताने वाला हूं, सिर्फ दो चीज़ों से तेल तैयार होगा, इंशाल्लाह गरीब से गरीब इंसान भी इस तेल को बना लेगा। इतनी आसान सिर्फ दो चीज़ें इसमें मिलेगी और इतना आसानी से ये तैयार हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। यकीन मानिए, बीवी भी खुश हो जाएगी, आप भी खुश हो जाएंगे। इतना सख्त और इतना लंबा वजू को कर देगा आपकी आंखों के सामने कि आप ये कहोगे कितनी बेहतरीन, सिर्फ दो मामूली सी चीज़ों ने इतना ज़बरदस्त काम कर दिया, ये हमको पहले क्यों नहीं पता चला। लेकिन आज जो मेरा सब्सक्राइबर, जो मेरे भाई आज इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आज उन्होंने आज ये वीडियो पूरी देख ली, यकीन मानिए अपने से खुश नसीब, अपने से कीमती इंसान वो ज़िंदगी में किसी को भी नहीं मानेगा, क्योंकि आज का उसका बहुत स्पेशल होने वाला है। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाला बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। इसमें आपने सिर्फ दो चीज़ें लेनी है। पहले नंबर पर आपने इसमें एक तोला अकर करहा लेना है और दूसरे नंबर पर आपने रोगन जैतून लेना है 5 तोले की मकदार में। दोनों चीज़ें आपने ले आनी है। अकर करो का आपने सिर्फ साबुत लाना है और लाने के बाद आपने इसमें हवन दस्ते में डाल के इसको अच्छी तरीके से कूट लेना है, बिल्कुल सुरमे के मुआफिक बना लेना है। बिल्कुल पतला पाउडर बनाने के बाद आपने सारा जो एक तोला करकरा का जो पाउडर बनेगा उसको आपने रोगन जैतून में डाल के और अच्छी तरीके से 1 घंटे तक खरल करना है। खरल करने के बाद आपने के पास एक तेल तैयार हो जाएगा। इस तेल को आपने कांच के शीशी में महफूज कर लेना है और यकीन मानिए, हर रात को सोने से 20 मिनट पहले या आधा घंटा पहले, सोने से याद रखना, सोने से कह रहा हूँ मैं, तो सोने से आधा घंटा पहले आपने इसकी मालिश करनी है। और मालिश बहुत ज़बरदस्त तरीके से करनी है। बहुत से हजरात लोग ये कहते हैं कि मालिश हम डेली कर रहे हैं, जो भी आप तेल बनाते हैं या बताते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं होता है। आप तेल की मालिश अच्छी तरीके से कीजिए, बिल्कुल आखिर तक इस तेल को अपने बिल्कुल आजू के पट्ठों तक पहुँचाइए, बिल्कुल तह तक पहुँचाइए। या तो आप तेल कम ले रहे हैं ताकि इसीलिए आपको आराम नहीं मिल रहा, आप तेल भी अच्छी तरीके से लीजिए और मालिश बहुत ज़बरदस्त तरीके से कीजिए ताकि तह तक ये तेल आपके वजू के पट्ठों तक पहुँचे, तभी तो जाके काम करेगा। और यकीन मानिए, इतना ज़बरदस्त ये आपके वजू को इतना पत्थर की तरह बना देगा कि बीवी भी ये कहेगी कि इतना तो मज़ा मुझे आज तक नहीं आया जितना इस तेल के इस्तेमाल करने के बाद आ रहा है। सिर्फ 7 दिन में आपको ये असर दिखा देगा और इंशाल्लाह 40 दिन तक इसकी डेली आपको मालिश करनी है, जिस तरीके से मैंने बताई है। तो दोस्तों, ये था मेरा नुस्खा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सुरक्षित रहिएगा। खुदा हाफिज़।